42,000 शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनके सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। नियोजित हुए इन 42,000 शिक्षकों की कागजी प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद पहल की और एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ और फिर इस बैठक में उन्होंने निर्णय लिया है कि नियोजित सभी शिक्षकों को वेतन की राशि निर्गत की जाए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से अपील की है कि वह जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज जमा करें, ताकि दस्तावेज का सत्यापन का काम जो है समय से पूरा हो जाए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रितेश मिश्रा ने। सूबे के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ा फैसला आपने लिया है कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया जाता तो बहुत समय लगता और सारे नियोजित शिक्षकों के वेतन को निर्गत करने का आदेश दिया है आपने, सर क्या कहेंगे? ये बिहार के सभी लोग जानते हैं, जो शिक्षकों के अभाव में हमारे विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने एक अभियान चला के और उच्च न्यायालय से इजाज़त लेके नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी की और उसमें छठे चरण में लगभग 42,000 शिक्षक नियुक्त भी हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। उनके प्रमाण पत्रों की जांच का काम चल रहा है, आधे जो उनके प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच हो चुकी है, लेकिन उसमें वक्त लग रहा है, लगभग 3-4 महीना हो गया और वे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। वैसी स्थिति में यह उचित नहीं लगा कि हमारे शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं 3-4 महीनों से और उन्हें उसके लिए वेतन भी नहीं दिया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है उच्च स्तरीय बैठक करके, हमारे अपर मुख्य सचिव भी थे, निदेशक भी थे, कि हम लोग उनको वेतन देना प्रारंभ करेंगे। लेकिन हम शिक्षकों से भी कहेंगे कि उनके जिन प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाई है, जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है, वो अगले 2-3 महीनों में निश्चित रूप से उसका सत्यापन करा लें, नहीं तो फिर दिक्कत बाद में आ जाएगी। इसलिए हम लोगों ने शिक्षकों के हित में और पढ़ाई के हित में उनका वेतन प्रारंभ करने का फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी थे, जिन्होंने खुद इनिशिएटिव लेते हुए नियोजित शिक्षकों के वेतन को निर्गत करने का आदेश दिया है। जाहिर सी बात है कि इस फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर है। कैमरा पर्सन दीनानाथ हो जाएगा।